साथियों, जिनको किसी ने नहीं पूछा उनको मोदी पूजता है और यही सबका साथ सबका विकास का भाव है और यही भाजपा के संकल्प पत्र की आत्मा है। 10 वर्षों में हमने दिव्यांगजनों के लिए अनेक सुविधाएं दी है। दिव्यांग साथियों को पीएम आवास योजना में प्राथमिकता दी जाएगी, उनकी विशेष जरूरतों के अनुसार उन्हें आवास मिल सके, उसके आर्किटेक्चर में बदल करना पड़ेगा, डिजाइन में बदल करना पड़ेगा, इसके लिए विशेष रूप से ध्यान देकर के काम किया जाएगा। ट्रांसजेंडर साथियों को भी पहले किसी ने नहीं पूछा, ऐसे साथियों को पहचान और प्रतिष्ठा देने का भी भाजपा ने ही प्रारंभ किया है। भाजपा ने ट्रांसजेंडर साथियों को भी अब आयुष्मान भारत योजना के दायरे में लाने का निर्णय लिया है। साथियों, भारत आज विमेन लेड डेवलपमेंट में दुनिया को दिशा दिखा रहा है। पिछले 10 वर्ष नारी गरिमा, नारी को नए अवसरों को समर्पित रहे हैं। आने वाले 5 वर्ष नारी शक्ति की नई भागीदारी के होंगे। बीते 10 वर्ष में 10 करोड़ महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं। 10 करोड़ बहनों के सहायता समूहों को अब हम आईटी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रिटेल और टूरिज्म जैसी सेवाओं के लिए, जैसे होमस्टे वगैरह होता है, हम उनको ट्रेनिंग देंगे। अभी तक 1 करोड़ लखपति दीदियां बन चुकी हैं। अब मोदी ने 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने की गारंटी दी है। नमो ड्रोन दीदी योजना से गांव गांव में बहनें ड्रोन पायलट बनेगी। गांव की महिलाओं से जब मैं मिला तो मुझे कह रही थी, हम तो साइकिल भी चलाना नहीं जानते थे, गांव में हमें कोई पूछता नहीं था, आज हमारी पहचान पायलट की बन गई है। हम ड्रोन पायलट के नाते पूरे गांव में एक प्रतिष्ठा के स्थान प्राप्त हुआ है। सरकार जो ड्रोन दे रही है उसकी कीमत भी लाखों रुपयों में है, लेकिन मेरा अनुभव है हमारी माताएं बहनें उसको भी बहुत बढ़िया तरीके से संभालती हैं, टेक्नोलॉजी भी सीख रही है और इससे उनका सम्मान भी बढ़ा है, आगे भी बढ़ेगा, कमाई भी बढ़ेगी। इतना ही नहीं, एग्रीकल्चर में एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन, टेक्नोलॉजी ड्रिवन एग्रीकल्चर को इसके एक धुरा के रूप में ये हमारी ड्रोन दीदी प्रस्थापित हो जाएगी, वो धुरा भी बनेगी। उसी प्रकार से महिला खिलाड़ियों को खेलों में आगे बढ़ने के लिए विशेष प्रोग्राम और विशेष सुविधाएं बनाई जाएगी। बहनों बेटियों के बेहतर स्वास्थ्य के अपने मिशन को आगे बढ़ाते हुए अब हम सर्वाइकल कैंसर से मुक्ति के लिए अभियान चलाएंगे। साथियों, हम गांव की पूरी अर्थव्यवस्था को संपूर्णता में देखते हैं, इसलिए खेती हो, पशुपालन हो, फिशरीज हो, सबको सशक्त कर रहे हैं। ये भाजपा ही है
जो किसान क्रेडिट कार्ड के दायरे में हमारे पशुपालक भाई बहनों को, हमारे मछुआरे भाई बहनों को जोड़ा है। पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ भी देश के 10 करोड़ किसानों को आगे भी जारी रहेगा। सहकारिता से समृद्धि के विजन पर चलते हुए भाजपा राष्ट्रीय सहकारिता नीति लेकर के आएगी और ये एक बहुत बड़े क्रांतिकारी दिशा में हम बढ़ने वाले हैं। देश भर में डेयरी सहकारी समितियों की संख्या भी बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ाई जाएगी। कुछ महीने पहले ही दुनिया की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना शुरू हो चुकी है। भारत को ग्लोबल न्यूट्रिशन हब बनाने के लिए हम श्री अन्न सुपर फूड पर बहुत अधिक बल देने वाले हैं। इससे श्री अन्न पैदा करने वाले 2 करोड़ से ज्यादा छोटे किसानों को विशेष लाभ होगा। हम दलहन और तिलहन में आत्मनिर्भरता के लिए किसानों को हर प्रकार की मदद करेंगे। भाजपा सब्जी उत्पादन और स्टोरेज के लिए नए क्लस्टर्स बनाएगी। फिशरीज सेक्टर के लिए भी नए प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग क्लस्टर बनाए जाएंगे। हमारे मछली पालक साथियों को सी वीड की खेती और मोती की खेती के लिए भी प्रोत्साहन दिया जाएगा। धरती मां की रक्षा के लिए प्राकृतिक खेती, नेचुरल फार्मिंग, उस पर बल दिया जाएगा। भारत एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशनरी काम शुरू किया है और सफलता मिली है, नैनो यूरिया। नैनो यूरिया के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल पर भी जोर दिया जाएगा। भाजपा ने किसान समृद्धि केंद्रों के विस्तार का भी संकल्प लिया है। भाजपा का संकल्प भारत को फूड प्रोसेसिंग हब बनाने का है। इससे वैल्यू एडिशन होगा, किसान का फायदा बढ़ेगा, रोजगार के नए अवसर भी बढ़ेंगे। ये फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स रूरल इकोनॉमी के लिए नए ग्रोथ इंजन बनेंगे। साथियों, देश में जनजातीय समाज के योगदान को मान्यता देते हुए हमने जनजातीय गौरव दिवस मनाना तय किया है। अगले वर्ष 2025 में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जन्म जयंती है। इसे राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाएगा। जनजातीय गौरव अभियान को राष्ट्र भर में गति दी जाएगी। भाजपा जनजातीय विरासत पर अनुसंधान को भी प्रोत्साहित करेगी। डिजिटल जनजातीय कला अकादमी की भी स्थापना की जाएगी। वन उपज आधारित स्टार्टअप्स और स्वयं सहायता समूहों को भी बढ़ावा दिया जाएगा। 700 से ज्यादा एकलव्य स्कूलों के निर्माण के लक्ष्य को भी जल्द से जल्द प्राप्त किया जाएगा। साथियों, भाजपा विकास भी और विरासत भी उस मंत्र में विश्वास करती है। हम पूरी दुनिया में संत तिरुवल्लुवर कल्चरल सेंटर्स का निर्माण करेंगे।
ई नूडल आपण को पाई आनी छी एक सुवर्ण सुजोग तबे डेरी काहे कि निजरो विद्युत बिल पैठ करी भाग्यशाली विजेता हुवंतु धन्यवाद।